हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट वीडियो लेके आई हूँ। ये एक ट्रैवल वीडियो है और ये जो ट्रैवल वीडियो है वो अहमदाबाद टू दिल्ली है। तो इस बीच में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कहाँ कहाँ से हम होके गुजरेंगे, वो सब चीज़ें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। देखते रहिए हमारी ये वीडियो। हम मॉर्निंग में सुबह निकले हैं क्योंकि जो सुबह में निकलते हैं तो ट्रैफिक थोड़ा कम मिलता है, तो हम अर्ली मॉर्निंग निकले इसलिए, जिससे कि हम काफ़ी टाइम कवर कर सकें धूप से पहले, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि अभी अहमदाबाद में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। अभी देखिए हम ये हाईवे से जा रहे हैं, हाईवे से जा रहे थे। जो रास्ता है वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, थोड़ा सा लॉन्ग तो पड़ता है, लेकिन आपको ट्रैफिक कम मिलता है, क्योंकि अगर आप सिटी के बीच से निकल के जाते हैं तो काफ़ी रश रहता है। अभी ये गांधीनगर स्टार्ट हो गया है, तो ये जो यहाँ पे ये गार्डन है, यहाँ पे एक स्पेशल होता है कि जो शादी होती है तो शादी की जो प्री वेडिंग फ़ोटोग्राफी होती है तो यहाँ पे सब लोग उसके लिए आते हैं, तो ये यहाँ की ये स्पेशलिटी है। अभी उदयपुर हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 200 के अराउंड में है जहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं, 200 किलोमीटर दूर है इनसे। अभी देखिए हम ना गांधीनगर में ये थर्मल पावर है, तो यहाँ पे जो वो कोयले से जो बिजली बनती है वो होता है यहाँ पे, तो उसके हम काफ़ी पास में आ गए हैं। यहाँ पे एक सर्कल है, वहाँ से हम टर्न करेंगे, हम अभी गांधीनगर को क्रॉस कर जाएंगे। देखिए अभी हम ये सर्कल से टर्न कर रहे हैं, अभी हम फिर हाईवे पे पहुँच रहे हैं। लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में ये एयरपोर्ट स्टेशन है गांधीनगर का। इधर से मैं थोड़ा सी ही क्लिप कर पाई हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और ये हमारा फर्स्ट टोल रोड है, फर्स्ट आ गया है टोल हमारे सफ़र का। फर्स्ट टोल तो निकला, अभी तो रास्ते में काफ़ी टोल पड़ेंगे। अभी देखो मेरे बच्चे टोल कर रहे हैं, उनकी पीछे से आवाज़ भी आ रही है, काफ़ी मस्ती का चल रही है, फुल और मस्ती गाड़ी में। अब
अभी आपको मेरी बेटी की साउंड आ रही होगी, वो बहुत शैतान है, बहुत मस्ती करती है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे थोड़े थोड़े पहाड़ आने स्टार्ट हो गए हैं। चलिए फिर इस वीडियो को यही लास्ट करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये ट्रैवल ब्लॉग अच्छा लगा होगा।